हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू चैनल मशीन एंड मी। और आज मैं पहुंच चुका हूँ होंडा बिगविंग टॉप लाइन के शोरूम में, और जिस बाइक के बारे में ढेर सारे बात आज करेंगे वो है होंडा CB300F। तो ये जो बाइक है ये बहुत तगड़ा रोड प्रेजेंस के साथ आता है, और इसका जो ऑफरिंग्स है, जो कैपेसिटी है, जो फीचर्स फंक्शन है, सब कुछ को मिला के अगर देखोगे तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बहुत ही कमाल का है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के साथ इंडिया में ये अभी मौजूद है। तो इस बाइक का कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 1,70,001 रुपीज़। क्यों मैं इस बाइक की इतना तारीफ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके बताएंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो बाइक आप देख सकते हो, इसका जो फ्रेम है वो है डायमंड टाइप फ्रेम। इसका जो व्हील बेस है वो है 1,390 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस है 177। ड्यू टू नेकेड स्पोर्ट्स बाइक, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये सही में बहुत अच्छा है, और इसका वेट भी बहुत कम है, ओनली 153 kg। और इसका सीट हाइट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्सेसिबल सीट हाइट है इसका, 789 मिलीमीटर। और इसका फ्यूल टैंक जो देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको 14.1 लीटर का कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस बाइक का जो लुक से कुछ जाना पहचान आपको लगेगा हॉर्नेट के जैसा, पर ये बहुत ही एक प्रीमियम ऑफरिंग से बाय होंडा फॉर इंडिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करेंगे फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा हेडलाइट आप देख सकते हो, एलईडी वाला, जिसका डिज़ाइन अगेन बहुत सिमिलर है। ये डिज़ाइन जो लोअर सेगमेंट का जो बाइक्स है होंडा का, हॉर्नेट 2.0 बोल सकते हो, SP बोल सकते हो, तो उस बाइक में ये पैटर्न जो है बहुत कॉमन है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पर ये इस एंगल से देखोगे तो इट्स लुक्स क्वाइट बिग फ्रॉम देम। और यहाँ पे LED वाला टर्निंग इंडिकेटर देख सकते हो, ऊपर माउंटेड है, गोल्डन कलर का USD फोर्क है। नीचे आप नेफिन का कैलिपर देख सकते हो, डुअल चैनल ABS इस बाइक में है। और उसके साथ इस बाइक में फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क मिलेगा। यहाँ पे 110/70 सेक्शन का 17 inch का टायर भी आपको मिल रहा है। तो अभी मूव करेंगे साइड पे, और साइड के मूव करने के दौरान जो आप नोटिस करोगे भाई, इसका जो श्राउड है बहुत ही एक्सटेंडेड है। और ध्यान से देखोगे, इस वाला एंगल से अगर देखोगे तो ये कुछ आपको फ्लोटिंग जैसा लगेगा, पर इसके लिए ये भाई बहुत हिलता भी है ड्यूरिंग राइड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसको छोड़ के जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पेंट स्कीम। पेंट जो है देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे तीन पेंट आपको मिलेगा, एक्चुअली तीन पेंट स्कीम आपको मिलेगा, पर खैर शोरूम में दो मौजूद है। ये है मैट मार्वल ब्लू मेटालिक, और वहाँ पे आप देख सकते हो वो है स्पोर्ट्स रेड। और एक जो कलर अवेलेबल है वो है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, जो अभी शोरूम में मौजूद नहीं है। तो रियर में जाने से पहले बात करेंगे इसका प्यारा इंजन के बारे में। इस इंजन के बारे में बात करने से पहले फर्स्ट नोटिस कीजिए इसका डिज़ाइन को, इसका केसिंग को। इसका केसिंग इट्सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल वन। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल केसिंग के अंदर आपको 4-स्ट्रोक SI ऑयल कूल PGM FI 293.52 cc का एक इंजन मिल रहा है। 7500 RPM में 18 kW, मतलब लगभग 24.14 horsepower ये प्रोड्यूस करता है, और 5500 RPM में 25.6 Nm टॉर्क भी ये प्रोड्यूस करता है। नीचे आप देख सकते हो बैश गार्ड है, ये प्लास्टिक का मेड है, पर ओवरऑल देखा जाए डिज़ाइन के मामले से ये बहुत ही प्यारा है। बहुत ही बिजी लाइंस, कार्ड्स, कार्ब्स भी आप यहाँ से नोटिस कर पाओगे। एक्चुअली इस वाला एंगल से इस बाइक का जो लुक्स आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी बहुत बिजी लाइन से, कार्ड से, कर्व से। यहाँ पे फॉल्स एयर वेंट्स आप देख सकते हो, पिलियन के लिए एक एल्युमिनियम फुट पेग है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सीट आपको मिलेगा राइडर के लिए, तो एम्पल रूम है यहाँ पे। उसके साथ पिलियन के लिए भी रूम कम नहीं है, और देखा जाए तो इस सीट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये बहुत सपोर्टिव है और प्रैक्टिकल है। पिलियन में जो बैठेगा उसके लिए ये बहुत ही ईजी होगा होल्ड करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और करेंगे इस स्विच को ऑन और दिखाएंगे रियर वाला टेल लैम्प, बहुत ही प्यारा है। RS 350 RS के जैसा ही लगेगा आपको, पर डिज़ाइन क्यू में थोड़ा सा चेंजेस है। टेल एरिया भी छोटा है, और यहाँ पे LED वाला लाइट आपको मिलेगा।
तो मूव करते हैं इस ओर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक है और यहाँ पे 150 बाई 60 सेक्शन का 17 इंच का टायर आपको मिल रहा है और अंदर छुपा है इसका रेड वाला मोनोशॉक जो अगेन 5 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप स्वेप्ट एग्जॉस्ट आप नोटिस कर पाओगे और ये है इस वाला साइड से इस बाइक का लुक्स। तो अभी करते हैं स्विच को बंद और मूव करते हैं रेड के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो दिखाएंगे वो है इसका स्विच गियर्स और डिस्प्ले को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन स्टॉप स्विच है, ऑन स्विच है, हैजर्ड का स्विच है, इग्निशन का स्विच है। यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम एक ही जगह से है। यहाँ पे मनुज को कंट्रोल करने के लिए ये जो यूनिट है ये आपको CB350RS में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। टर्निंग इंडिकेटर नीचे है और ये है हॉर्न और विथ 5 लेवल ब्राइटनेस एडजस्टेबल ये डिस्प्ले भी आपको मिलेगा जिसका जो ग्राफिक्स है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। अभी अभी जो लॉन्च हुआ था SP160 सेम टाइप का ग्राफिक्स आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इफ़ आई नॉट रॉन्ग CB200X में भी ये सेम ग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हो मनुष्य का कंट्रोल और चाहो तो कर सकते हो यहाँ से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RPM है, गियर पोजीशन के इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, टाइम है और ट्रिप ए है। और इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप बी हो गया, टोटल किलोमीटर हो गया और सेम चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था कुछ बातें और उसके साथ इस बाइक में ढेर सारा फीचर्स फंक्शन भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका USB चार्जिंग पॉइंट, मतलब राइडिंग के दौरान आपको वोरीड होने का ज़रूरत नहीं है, आप इस बाइक को लेके लंबे ट्रिप मार सकते हो। उसका जुगाड़ होंडा वालों ने हम लोगों को दे दिया है, वही ये लगता क्यों नहीं यहाँ लग गया। और यहाँ पे असिस्ट स्लीपर क्लच भी आपको मिलेगा और उसके साथ इस वाला डिस्प्ले से एक फंक्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो है ये वॉइस प्रॉम्प्ट सपोर्ट करता है थ्रू ब्लूटूथ। आप यहाँ पे कॉल, मैसेज, म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, नेविगेशन, वेदर सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये था कुछ बात इस बाइक के बारे में। तो अभी करते हैं एक काम अगेन, तो सुना देते हैं इसका साउंड। तो ये था कुछ इसका साउंड। एज यू नो शोरूम में बाकी लोग भी है, ज़्यादा रेप भी नहीं कर पाऊँगा तो आपको समझना पड़ेगा कैसा है। थोड़ा सा बेसिक नोट है इसका, अच्छा ही लग रहा है। तो ये था कुछ बेसिक वाला इन्फॉर्मेशन ऑन CB300F। अगर ये कंटेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। और होंडा बिग विंग के दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप लोगों को और कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं होंडा बिग विंग टॉप लाइन का नंबर डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा, बेझिझक आप कॉल कर सकते हो। बहुत जल्दी दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक, कीप रेविंग, बाय बाय।